हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मजमोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक छोटी सी सिलाई मशीन। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मिनी है, पोर्टेबल है। इसे कैसे यूज़ करना है और क्या ये सच में अच्छी है और आप कितना मोटा कपड़ा इस पर सिल सकते हैं। अगर आपने मेरा रीसेंट वाला वीडियो जो कि मैंने कुछ दिनों पहले डाला था, जहां मैंने पूरी डिटेल में दिखाया है कि जो नॉर्मल सिलाई मशीन होती है उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने वो देखा नहीं है या फिर आप फिर से देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये सिलाई मशीन मैंने खरीदी है मीशो से, तो आपको इसका कोड और साथ में जो एक्सेसरीज़ मैं आज के वीडियो में यूज़ करूँगी, इन सब के कोड्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। मीशो इंडिया का नंबर वन अर्निंग ऐप है और आपको यहाँ पर मिलते हैं प्रोडक्ट्स होलसेल प्राइसेस में। और हाँ, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दी गई मेरी डाउनलोड लिंक से मीशो को डाउनलोड करेंगे तो आपको आपके फर्स्ट ऑर्डर पर मिलेगा ₹100 या फिर फ्लैट 30% का ऑफ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मिनी सोइंग मशीन का डब्बा, यानी इस छोटी सी सिलाई मशीन का डब्बा। इसके ऊपर लिखा हुआ है एज सीन ऑन टीवी। मुझे याद आ रहा है इसे देखकर कि काफ़ी सालों पहले टीवी पर ऐसी एड्स आया करती थी सीरियल्स के बीच में या फिर रात को, इस तरह के प्रोडक्ट्स की। इसकी प्राइस है 1062, तो काफ़ी अच्छी प्राइस में ये मिल गई है। आप लोगों को और एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास उषा जनोमी की मशीन है, हमारे घर में उषा की सिलाई मशीन है। मुझे सिलाई करना आता है, तो क्योंकि मुझे सिलाई करना आता है और मैं सिलती हूँ, तो उस हिसाब से ही मैं आपको इस मशीन का रिव्यू दूंगी। साइज़ वाइज तो ये मशीन काफ़ी छोटी है ही और इसका वेट भी बहुत कम है। ये देखिए, इसके साथ एक चार्जर टाइप की इसकी केबल आई है और एक पैडल फुट आया है। तो ये जो पैडल है, इसकी वायर आप देख सकते हैं, तो नॉर्मल जो मशीन्स होती हैं उसके सामने ये काफ़ी पतली है। और ये जो चार्जर है, इसकी केबल नॉर्मल वाली है, तो दोनों में साथ में कनेक्टर्स दिए हैं। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि पैडल फुट को और इसका जो चार्जर है, मतलब इसका जो प्लग है, इसे कहाँ पर प्लग इन करना है। ये देखिए, तो फुट पैडल के लिए ऊपर लिखा हुआ है फुट पैडल। फुट पेडल और जो पावर प्लग का कनेक्टर है, दोनों ही अलग है, तो कोई कंफ्यूजन होने की गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तीन बटन्स दिए गए हैं। सबसे ऊपर से बल्ब ऑन ऑफ होता है, बीच वाला जो बटन है इसे प्रेस करने से मशीन शुरू होती है, और सबसे नीचे वाला जो है सिलाई की स्पीड के लिए है, हाई स्पीड या लो स्पीड। नॉर्मल मशीन्स में इस तरह की पिन दी गई होती है धागे की रील के लिए, जो नॉर्मल सिलाई में इस्तेमाल होता है, पर इस मशीन के लिए यहाँ पे अलग से बॉबिन दी गई है। ऊपर की जो धागे की रील वाली पिन है, उसे कैसे यूज़ करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर नॉर्मल ऊपर की सिलाई और नीचे की सिलाई दोनों के लिए बॉबिन ही इस्तेमाल होती है। तो ऊपर वाली बॉबिन जो है वो यहाँ पर लगानी है, बस खींच के आप इसे निकाल सकते हैं और बॉबिन को भर के आप वापस से लगा सकते हैं। बॉबिन कैसे भरनी है ये आगे मैं आपको बताऊँगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आप नॉब देख रहे हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस है। प्लस की तरफ घुमाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा, यानी जो सिलाई है ज़्यादा टाइट और छोटी आएगी। नेक्स्ट ये लीवर है, जो कि नॉर्मली सिलाई मशीन्स में होता ही है। नेक्स्ट है ये व्हील, तो व्हील नॉर्मली मशीन्स में होती ही है, ये घूमती है जब हम मशीन को चलाते हैं। मैन्युअली भी आप घुमा सकते हैं। और ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको आगे दिखाऊंगी। साइड में एक कटर भी दे रखा है, इसमें से आप धागा कट कर सकते हैं। ये फुट लिफ्टर है, जो कि नॉर्मल प्रेस फुट जो होता है उसे उठाने और नीचे करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ है मशीन की सुई और नीचे फुट दिया गया है। इसका फुट जो है फिक्स्ड है, इस फुट को बदला नहीं जा सकता, ये एक लिमिटेशन है। ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं, इसे आप लूज करके आप जो सुई है इसे निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस वाली मशीन में बॉबिन ऊपर की तरफ है, नॉर्मली साइड में नीचे की तरफ होती है। बॉबिन केस में एक तरफ से एक नॉच दिया गया है, बस उससे आपको उठाना है। और आप देख सकते हैं कि इसमें और एक अलग से बॉबिन का कोई केस नहीं है, जो कि नॉर्मली मशीन्स में होता है, तो ये एक डिफरेंस मुझे दिखा। ये देखिए, धागा ऐसे कट कर सकते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये मशीन बिना इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के भी इस्तेमाल की जा सकती है बैटरी से। तो अगर आप कभी इमरजेंसी में बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर के इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा। इसके साथ में एक एक्स्ट्रा सुई और नीडल थ्रेडर और साथ में चार बॉबिन्स भी आई हैं। जो इस मशीन की प्राइस है, उस हिसाब से इन्होंने जो ये छोटी मोटी एक्सेसरीज एक्स्ट्रा दी है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो एक सुई है, ये है नीडल में धागा पिरोने के लिए। अगर आपको डायरेक्टली पिरोने में दिक्कत होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ।
ये देखिए, पहले आप सुई में से इसे निकाल लें और जो इसका बड़ा हिस्सा है लूप वाला उसमें से धागा निकालें और इसे वापस से सुई से बाहर खींच लें, तो साथ ही में जो धागा है वो भी खींचकर बाहर आ जाएगा। सबसे ऊपर वाला जो बटन है ये सुई के ऊपर के बल्ब को शुरू बंद करने के लिए है, सेकेंड वाला मशीन को चलाने के लिए और थर्ड वाला स्पीड के लिए। तो अब मैं आपको देती हूँ इसका डेमोन्स्ट्रेशन, यानी इसे आप यूज़ कैसे कर सकते हैं और क्या ये अच्छे से काम करती है। तो मैंने यहाँ पर लिया है कपड़ा, ये रेयन है और मैंने डबल लेयर ली है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फुट के नीचे कपड़े को लगा दिया और सेकेंड नंबर पे जो बटन है उसे मैंने प्रेस किया। बटन प्रेस करने के बाद मशीन शुरू हो जाती है। ध्यान रहे कि बटन के पास ही आपकी उंगली हो, क्योंकि आपको बटन को दोबारा से प्रेस करके ही इस मशीन को बंद करना पड़ेगा। नॉर्मली जो मशीन्स होती हैं, जैसे मैं ऊषा जनों में से इसे कंपेयर करूं जो मेरे पास ऑलरेडी है, तो वहाँ पर केवल फुट का ऑप्शन है, वहाँ पर ऐसे कोई बटन नहीं दिया गया है। जिसे सिलाई करने की इतनी आदत नहीं है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है, उसके लिए बटन मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास ये मशीन ऑलरेडी है या फिर आपने खरीदी है और सिलाई सही नहीं आ रही है, तो जो टेंशन वाला नॉब है उसे आप एडजस्ट करके देखें। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फुट पेडल कैसे यूज़ करना है। मैं सेकेंड वाला बटन यूज़ नहीं करूँगी। जैसे ही आप फुट को प्रेस करेंगे मशीन चलने लगेगी, जैसे ही आप उठाएंगे मशीन रुक जाएगी, जैसे नॉर्मली मशीन्स में होता है। मुझे फुट पेडल ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, मुझे लगता है कि फुट पेडल से सिलाई पर उसे रोकने चलाने में ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो मैं प्रेफर करूँगी फुट पेडल अगर मैं इस पर कोई प्रोजेक्ट करती हूँ तो। अब मैं एक सिंगल लेयर, यानी एक सिंगल लेयर ऑफ कपड़ा मैं यहाँ पर सिल रही हूँ और देखिए इस पर भी सिलाई अच्छे से आ गई। टेंशन नॉब को घुमा के मैंने थोड़ा सा टाइट कर दिया था। इस मशीन से बॉबिन भी भरी जा सकती है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो जो धागे की रील की पिन है उसे ऊपर करें और जो एक बॉबिन इसके साथ दी गई है उसे ले लें। और हाँ, ध्यान रहे कि जो धागा है वो सुई में नहीं होना चाहिए, सुई से धागे को निकाल के जस्ट लूज छोड़ दें। धागे की रील स्पिन पर लगाएं और आपकी बॉबिन पर जस्ट एक दो बार आप लपेट लें। मशीन की व्हील से जो बाहर आया हुआ हिस्सा है जो मैंने आपको दिखाया था वो बॉबिन भरने के लिए है। उस पर आप बॉबिन को प्रेस करें, अटक जाएगी। बस अपनी मशीन का जो फुट पेडल है या तो वो चला दे या तो सेकंड नंबर का बटन चला दे और आपकी मशीन चलने लगेगी। जैसे एक सहारा देने के लिए मैंने अपनी फिंगर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो एक पेन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं। और ये देखिए बॉबिन भर रही है। इस मशीन में बाय डिफ़ॉल्ट हाई स्पीड होती है, अगर आप हाई स्पीड और लो स्पीड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी मशीन की स्पीड कम हो जाएगी। आप स्पीड बढ़ाकर बॉबिन फटाफट भर सकते हैं। और हाँ, आप उस हाई और लो स्पीड वाले बटन का इस्तेमाल अपनी सिलाई को कंट्रोल करने में कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बस बॉबिन भरने के बाद धागा निकाल लें और इसे पिन को वापस अंदर कर दें। मेरा कंक्लूजन ये है कि ये मशीन अपना काम अच्छे से करती है, लेकिन इसमें बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। सिलाई में एक ही फुट है, एक ही ऑप्शन है। तो अगर आप अपने घर में कुछ सिलने के लिए, जीन्स ऑल्टर करने के लिए, ड्रेस ऑल्टर करने के लिए आपको कुछ चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। जो हमारी ऊषा जनों में मशीन है जो ज़्यादा वर्सेटाइल है, उसकी प्राइस फिर 13,000 है और ये है 1,000 रुपये की मशीन। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका यूज़ कितना है। एकदम बिजनेस चलाने के लिए और बहुत ज़्यादा कुछ आपको सिल के बेचना है तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये मशीन सूटेबल नहीं होगी। अगर आप सिलाई सीखना भी चाहते हैं तो भी आप ये मशीन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और होम एंड मजमू को सब्सक्राइब करें। मीशो पर ऑर्डर कैसे प्लेस करना है? वेल, आपको सिर्फ सर्च बॉक्स में डालना है प्रोडक्ट का कोड या फिर आप डायरेक्टली कैटेगरी में जाकर भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, अगर उसमें साइजेस के ऑप्शंस हैं तो साइज सिलेक्ट करें एंड ऐड टू कार्ट करें। क्वांटिटी एंटर करके आप नेक्स्ट करें और मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करें, ऑनलाइन या फिर कैश ऑन डिलीवरी। इसके बाद आपको एग्जैक्ट सेम अमाउंट डालनी है जो कि प्रोडक्ट की है, ताकि जो मार्जिन है वो जीरो हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट करें, अपना एड्रेस डालें और ऑर्डर प्लेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।